दिस इज दी फ्रॉम फील द नेचर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि आप लोगों को हमारे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक से होंगे। तो आज के वीडियो शुरू करते हैं। हमारी एक बैनियन की बॉन्साई है जिसको हम लोग इस वाले पॉट पे शिफ्ट करने वाले हैं आज, तो इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। सबसे पहले तो इसके नीचे वाली पॉट इससे अलग कर लेते हैं, उसके बाद इसको साइड में रखते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके किनारे किनारे को हम लोगों को लूज़ करना है फ्रेंड्स। और जब भी आप रिपोर्टिंग करें याद रखें कि आप लोग एक दिन पहले पॉट में पानी ना दें। तो चलिए अभी लूज़ कर लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने लूज़ कर लिया है, ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी हटा लेते हैं फ्रेंड्स। तो अभी फरवरी का महीना है फ्रेंड्स, अभी जितने भी रिपोर्टिंग करना है या फिर आपके प्लांट्स को प्रूनिंग की ज़रूरत होगी तो इस टाइम पे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यही सबसे बेस्ट टाइमिंग है फ्रेंड्स। तो देख रहे हैं आप लोग कि अलग हो चुकी है और इसके रूट सिस्टम कितने अच्छे हैं, इतनी छोटी सी पॉट में ही थी। तो अभी इसके रूट्स को क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग बहुत अच्छे से, और पानी से थोड़ा वॉश भी कर लेंगे जैसे कि थोड़ी बहुत क्लीन हो गई है। अभी वॉश करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग सॉइल रेडी कर लेते हैं। तो सॉइल में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें 20% सॉइल है और 60% सैंड है, और 20% इसमें हम लोग कॉम्पोस्ट डाले हैं और कुछ ऊपर से हम लोग ब्रिक्स भी इसमें मिला चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ रूट को थोड़ी सी प्रूनिंग की ज़रूरत है, तो जो टैप रूट थी उसको हम लोगों ने काट दिया है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी रूट्स जो है उसको भी क्लीन कर लेते हैं प्रूनिंग करके। चलिए फ्रेंड्स अभी पॉट रेडी करते हैं। पॉट में हम लोगों ने सबसे नीचे कुछ ब्रिक्स के टुकड़े डाल दिए हैं ताकि इसके ड्रेनेज सिस्टम अच्छी बनी रहे। अभी इसमें कुछ सॉइल फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें पॉट करेंगे अपना बॉन्साई। करीब करीब आधा से ऊपर ही इसमें सॉइल हम लोगों को डाल देना है फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम लोगों ने सॉइल फिल कर ली है, अभी इसमें हम लोग अपना बॉन्साई को प्लेस करके देखते हैं कि ये कैसी लग रही है। तो पॉट के हिसाब से हम लोगों को इसके रूट्स को थोड़ी थोड़ी ट्रिम करनी है फ्रेंड्स। तो थोड़ी सी हम लोगों ने ट्रिम कर ली है, अभी आ जाती है सॉइल की बारी। सॉइल फिल कर देते हैं फ्रेंड्स हम लोग इसमें बहुत अच्छे से। तो सॉइल देने के बाद फ्रेंड्स इसको हाथों से बहुत ही अच्छे से इसको दबा दे ताकि इसके सारे एयर पॉकेट ख़त्म हो जाए और अपना बॉन्साई भी प्लेस हो जाए। तो अभी आ जाती है वाटरिंग की बारी। तो आप लोग स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर नीचे कोई बकेट में आप लोग पानी रख सकते हैं, उसके बाद इस वाले पॉट को आप लोग बैठा सकते हैं। तो उसमें क्या होगी फ्रेंड्स, नीचे से ये पानी पूरी तरीके से सोख लेगी।
तो पहली बार तो बहुत अच्छे से पानी देना है फ्रेंड्स, ताकि ड्रेनेज होल है सारी वाटर ड्रेनेज हो जाए फ्रेंड्स। उसके बाद आप 2-3 दिन बाद आप लोग फिर से पानी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और हमारे चैनल में जो अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।